नमस्कार, रिचा रियल बेजिस में आपका स्वागत है। आज मैं भाकर बाड़ी बनाने जा रही हूँ। ये रेसिपी मुख्य रूप से प्रसिद्ध गुजराती व्यंजनों में से है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। भाकर बाड़ी बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा ली है, 2 टेबल स्पून बेसन लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है मोइन के लिए। अब मसाला बनाने के लिए 1 कप सूखा नारियल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया बीज, 1 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून तिल, 1 टीस्पून खसखस, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच अमचूर, 2 टीस्पून चीनी, 1/2 चम्मच नमक और ग्रीस करने के लिए पानी, इमली की चटनी। अब हम भाकरवाड़ी का मसाला पीस रहे हैं। नारियल, जीरा, धनिया, सौंफ, सफेद तिल, खसखस, अमचूर पाउडर, एक चौथाई चम्मच हींग, थोड़ी सी हल्दी, चीनी, कश्मीरी लाल मिर्च। आधी चम्मच नमक। अब इन सब मसालों को हम पहले पीस लेते हैं। मसाला बनके तैयार है। अब हम आटा लगाने जा रहे हैं। मैदा डालेंगे पहले। बेसन, स्वाद अनुसार नमक, मोइन के लिए ऑयल सब चीजों को आपस में मिला लेंगे। मोइन एकदम परफेक्ट है। देखिए इस तरह से बनने लगे तो मोइन ठीक लगता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सब आटा लगा लेंगे। ये हमने सब आटा लगा लिया है। आटे को थोड़ा सा घी लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। दस मिनट हो गए, आटा एकदम सेट हो चुका है। अब हम पाकड़वाड़ी बनाना शुरू करते हैं। लोइयां काट लेंगे। अब इसको चौकोर बेल लेंगे।
ये भेल के तैयार कर लिया हमने। इसे चौकोर कर लेंगे। किनारों को छोड़ते हुए इमली की चटनी लगा लेंगे। जो मसाला हमने तैयार किया था उसमें इसे डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। पतला कर करके पूरा चौकोर इसे में फैला देंगे। इसे किनारों पे पानी लगा लेंगे चिपकाने के लिए। अब एक साइड से उठाते हुए फोल्ड करते जाएंगे। एकदम टाइट टाइट करेंगे। चिपका लेंगे। किनारों को सेट कर देंगे। हाथों की सहायता से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। चाकू से किनारे काटते हुए एक एक इंच की काट लेंगे। एक भाकरवाड़ी को उठा के उंगली से इस तरह दबाते जाएंगे। एक थाली में सेट कर लेंगे। जो अब आटा बचा हुआ है उसी को भी इसी प्रकार बना लेंगे। मिनी भाकरवाड़ी बना के तैयार कर ली है। अब इसको हम सेकने जा रहे हैं। ऑयल को हमने पहले गर्म करने रख दिया था।
देखते हैं ऑयल गर्म हुआ कि नहीं, थोड़ा सा डाल के देखते हैं। बबल्स आ गए हैं, ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम अपने मिनी भाकर बड़ी डालेंगे। अब पलट के देख लेते हैं। टाइट से करके ऑयल को निकाल लेंगे। ये क्रिस्पी बढ़िया बनके तैयार है, पाकर बड़ी बनके तैयार हो गई। अब दूसरे बैच को भी सेक लेंगे। अब इनको पलट लेते हैं। ये बैच ही बनके तैयार हो गया। इसी प्रकार हम सारी भाकरबाड़ी बना के तैयार कर लेंगे। भाकरबाड़ी बनके तैयार है। ये रेसिपी बहुत सरल है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लेती है।